गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बम्फर्ड स्टीवेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन की पहचान कैसे करनी है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसमें हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोजीन दोनों दिया होगा। दोनों अलग अलग भी दिया हो सकता है या फिर दोनों को मर्ज करके भी दिया हो सकता है। कैसे दिया है उसको हम अभी देखेंगे रिएक्शन में, फिर उसके बाद जब एग्जाम्पल करेंगे देखेंगे कैसे दिया है। फिलहाल हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोजीन दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं या दोनों को मर्ज करके भी दिया हो सकता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास इनऑर्गेनिक बेस हो, जैसे कि NaOMeLiH NaNH2 एटसेट्रा, जो भी इनऑर्गेनिक बेस है हम उसमें इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, इसमें अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। बस यही तीन चीज़ हमें देखनी है, उसके बाद हम आते हैं अपनी रिएक्शन पर आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, हो जाएगा हमारा बम्फर्ड स्टीवेंस रिएक्शन। देखिए, वहाँ पर लिखा है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड या फिर हाइड्रोजीन। ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड और ये हाइड्रोजीन, ये दोनों अभी मैंने डिफरेंट लिखा है ना, मतलब अलग अलग जगह पर। ये अलग है कार्बोनिल कंपाउंड और ये हमारे पास अलग है हाइड्रोजीन। अब इन दोनों को मर्ज करके जब हमने बनाया है ये बना, फिर इसके बाद हमने इसको NaOMe यानी कि इनऑर्गेनिक बेस से रिएक्ट कराया तो ये हमारे पास अल्कीन बन गई। तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है तो ये तो हमें दिया हो सकता है, या फिर हमारे पास ये जो इस रिएक्टेंट से ये जो प्रोडक्ट आया है ये भी हमारे पास एज ए रिएक्टेंट दिया हो सकता है। जनरली हमें यही मिलता है, लेकिन हमें अगर कन्फ्यूज करने के लिए अगर ये दिया हो तो हम पहचान लेंगे उसे कि है बम्फर्ड स्टीवेंस रिएक्शन है। तो देखिए, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड और NH2NH TS मतलब टोसाइल ग्रुप है, जो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होता है। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, फिर उसके बाद NaOMe इनऑर्गेनिक बेस से रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास अल्कीन बन जाएगी। कैसे बनती है अब इसको हम मैकेनिज्म में देखते हैं। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में बस आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे होती है, बस इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। इससे ये कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके बाद अगले देखेंगे हम। मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले। इसको ले लेते हैं जिसके हमें देखना है। सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर ये कैसे बना पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद वो कैसे बना। CH R2 R3 प्लस NH2 NH TS, इसके पास है लोन पेयर ना। अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखना चाहते हैं थोड़ा सा इसी तरह की मैकेनिज्म, तो आप देखेंगे मानिक रिएक्शन की वीडियो, जो नियम रिएक्शन की वीडियो मैंने बना कर रखी है। लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मानिक रिएक्शन में भी ये NH2 हमारा इसी तरह से रिएक्शन होती है। देखिए, ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, CH इधर का पोर्शन सेम रहेगा, CH R2 R3, और ये कार्बन इस कार्बन से लगा हुआ ये R1 है, और इधर ऊपर आ गया माइनस चार्ज, इस ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ये बॉन्ड उस साइड टूटा, और ये N जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा, और इसके पास दो H हैं, एक H मैं यहाँ पर और एक H इस तरह से दिखाता हूँ, और दूसरा NH TS, इसके पास है NH और TS। अब जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब इस H को ये H वाले इलेक्ट्रॉन का ये वाला बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन की सहारा शिफ्ट होगा, और नाइट्रोजन पर जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इस पर आएगा निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर हो जाएंगे न्यूट्रल, यानी कि मैं इसको यहाँ से हटा कर नाइट्रोजन के पास जो हमारे पास लोन पेयर होता है वो हम इसे कर देते हैं न्यूट्रल। अब क्या होगा, अब ये जो नाइट्रोजन वो अपना लोन पेयर फिर से यहाँ पर देकर एक और बॉन्ड बनाएगा, और हाँ, जो यहाँ से H+ निकला है वो H आकर यहाँ पर लग जाएगा,
ये, और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फिर से अपना लोन पेयर यहाँ पर देखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहा होगा तो ये वाला बॉन्ड इस साइड से इस तरह से ब्रेक होगा, इधर ओ एच माइनस निकलेगा, और इधर जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देकर, चलिए मैं एक स्टेप और दिखाता हूँ, सी एच आर टू आर थ्री इधर ये हो जाएगा, ये इधर बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया, ये N और इसके साथ वाला H को मैं खोल के दिखाता हूँ, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद आ जाएगा इधर NH और इसके बाद आएगा इधर TS और इधर से OH माइनस निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है, तो हम नाइट्रोजन पर फिर से प्लस है, तो ये वाला बॉन्ड फिर से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस ये OH माइनस मिल के यहाँ से माइनस H2 को निकाल देंगे, प्लस H2 को यहाँ पर आप कर लें, यहाँ से H2 को निकल जाएगा, तो फिर हमारे पास बन क्या जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर गया तो ये पॉजिटिव भी हट जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब ये वाला जो है हमारा, वो ही हमारा ये बन चुका है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिक्स हो मर्ज हो चुके हैं। तो इन दोनों को जो हमने मिलाकर जो हमारा प्रोडक्ट बना, एक्चुअल में ये हमारे पास बम्फर्ड स्टीवेंस रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है। तो अब ये हमारे पास कॉमन सदा कि इन दोनों को मिलाकर हमें हमारे पास ये ऐसे इसका मैकेनिज्म इस तरह से हो जाएगा। अब हम हमारे पास मेन क्या है, हमारे पास बम्फर्ड स्टीवेंस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखना है, तो अब हम इससे NaO बेस डालकर हमें इसकी तरफ जाना है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसके, यहाँ से आप वहाँ पर चलते हैं। तो अब इसको लेते हैं सी एच आर टू आर थ्री सी डबल बॉन्ड एन एन एच, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास तो साइल NH, 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 TS, और यहाँ पर क्या है हमारे पास R1। अब इसको हमें कराना है बेस की प्रेजेंस में, बेस हमारा क्या करता है, कहीं पर H प्लस हो उसी को निकालता है ना, तो NaOMe और Na प्लस ये है। तो देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसको हम दिखाते हैं इस तरह से, अब यहाँ से H प्लस निकलेगा, एच प्लस निकलेगा और नाइट्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज ना, तो इधर जो है हम उससे पहले लिख लेते हैं एन एच आर टू आर थ्री, इधर क्या है सी आर वन डबल बॉन्ड एन, फिर एन से लगा हुआ एन, फिर इससे लगा हुआ टी एस, अब यहीं से निकला है हमारे पास एच निकला है, अब इसी के पास दो इलेक्ट्रॉन और आ गया इस पर माइनस चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन के भी पास तो लोन पेयर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब नाइट्रोजन जैसे कि हमारे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन बॉन्ड बनाया होता होगा और एक लोन पेयर होता है ना, तो यही ये वो लोन पेयर है, और इसके पास एक लोन पेयर तो पहले से है, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन इधर देकर इधर बॉन्ड बनाएगा, और इधर टोसाइल जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा, तब क्या होगा माइनस इधर OME और H, OME ने H को निकाला था, यहाँ से निकला था हमारे पास MeOH, मिथेनॉल हमारे पास यहाँ से निकल गया था, और यहाँ से हमारे पास TS निकल रहा है, टोसाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो रहा है, और इन दोनों N के बीच में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर बना रहा है इधर बॉन्ड, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस N पर पॉजिटिव, इस N पर निगेटिव, बाकी जो हमारे पास है वो वैसे ही रहेगा। इसको हम नोट कर लेते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं सी एच आर टू इधर आर थ्री, इससे लगा हुआ सी, इससे लगा हुआ आर वन, फिर इससे लगा हुआ है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके पास है हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हाँ, तो अब हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमारी रिएक्शन यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक हमारी हो सकती है
प्रोटिक सॉल्वेंट में, और दूसरी हो सकती है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, दो दो पार्ट में ना, पहला पार्ट क्या हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा पार्ट क्या हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो होगी आयन मैकेनिज्म, और जो एप्रोटिक सॉल्वेंट में होगी वो हमारी होगी कार्बिन मैकेनिज्म। चलिए हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, फिर उसके बाद इधर करते हैं हम प्रोटिक सॉल्वेंट की मैकेनिज्म, उधर करते हैं हम अप्रोटिक सॉल्वेंट की। इन प्रोटिक सॉल्वेंट, इन प्रोटिक सॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं आयन मैकेनिज्म, और इधर क्या होगा हमारे पास नंबर टू, इसे नंबर वन कर लें, इन अप्रोटिक सॉल्वेंट, थोड़ा सा ऊपर कर देते ना, अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें हमारी मैकेनिज्म किस तरह की होगी, कार्बिन मैकेनिज्म होगी। चलिए देखते हैं दोनों को बारी बारी से, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसको देखेंगे। वो तो हमारा दोनों में रहेगा, ये वाला जो है वो हमारा दोनों में रहेगा, पहले उसी को लिख लेते हैं यहाँ पर CH R2 R3 C डबल बॉन्ड N, इन पे है पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड N, इन पे है निगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज, हाँ याद हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो निगेटिव है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देकर बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर देकर बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। ओवरऑल क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देकर बॉन्ड बनाएगा, तो ये माइनस वाला जो है न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो ये न्यूट्रल हो गया। और इस नाइट्रोजन का क्या हाल है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देकर बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, लेकिन जब ये वाला बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओवरऑल देखिए 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इस टाइम 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसे जाएगा तब भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए मैं इधर बनाता हूँ तब दिखाता हूँ। CH इधर R2 इधर R3 फिर से इससे लगा हुआ इधर R1 भूल गएगा उधर है R1, इससे लगा हुआ ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस कार्बन पर आएगा दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। और इस नाइट्रोजन का क्या हाल है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और इधर हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड और बन रहा है, दो बॉन्ड पहले से था एक बॉन्ड और बना, उसके बाद ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला इस नाइट्रोजन को, और ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये वाला मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रॉन मिला और इधर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि इसे कुछ मिला कि नहीं मिला, ये जैसा था वैसा ही है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा रहेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं SH, SH मतलब इसको अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। अब ये माला ये वाला जो माइनस है वो इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, कहने का मतलब सीधा सीधा है, तो ये हो जाएगा CH, यहाँ से देखिए CH इधर R2 इधर R3, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास CSC, इससे लग जाएगा ये इधर H, फिर इधर ये R1 है ही, और इससे लगा होगा N पे पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया। अब क्या होगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, वैसे तो ज़्यादा होती ही है, अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कम है और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा, जैसे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जाता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये वाला ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन अपनी साइड ले लेगा
ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से है तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ से माइनस एन टू निकल जाएगा, माइनस एन टू निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा सी एच आर टू आर थ्री, इधर सी और इधर एच और इधर आर वन, और इस एच को मैं इधर दिखा देता हूँ ना, और बेचारा उसके भी निकलने की बारी आ रही। और देखो ये कार्बन से ये बॉन्ड उस साइड ब्रेक हो रहा है, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और एच प्लस यहाँ से तो अपना जा चुका, और यहाँ पर जो ये जो सल्फर है एस माइनस, ये अभी कहीं ना कहीं सोल्यूशन में तो प्रेजेंट है ही, तो इसके बाद जो होगा एस माइनस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, एस माइनस यहाँ से आएगा और इस एच प्लस को निकाल लेगा, तो ये वाला बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज और ये माइनस प्लस मिलकर आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। ओवरऑल क्या कहने का मतलब है मेरा, ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव कर जाएगा और यहाँ से एस एच निकल जाएगा, यहाँ से हो गया एस एच, ये एस, इस ये वाला एस जो वो एच के साथ मिल जाएगा, ये माइनस है और ये एच प्लस यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा एस एच, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, इधर हो गया एच, इधर हो गया आर वन, और इधर हो जाएगा अपने पास आर टू और आर थ्री, थ्री ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है वही हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट से। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इसमें एक चीज़ और देखना, क्या देखना, जब ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब ये हाइड्रोजन निकल रहा है उससे पहले जब ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करता है। जैसे कि स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो में मैंने बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था सहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन में, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन होता है ना, मैंने उसमें दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा। तो इसमें भी उसी तरह से रोटेशन होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये रोटेशन नहीं हुआ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। मान लीजिए कि अगर ये प्रोडक्ट इस तरह से रोटेट कर जाता तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता, देखिए जैसे कि अभी हमारे पास ये इस तरह से रोटेट कर जाता, ये R2 नीचे की साइड है, ये R2 रोट घूम कर R2 ऊपर की साइड और R3 नीचे की साइड आ जाता है, इस तरह से घूम जाता ये वाला, वो वाला फिक्स रहता और ये वाला घूम जाता, तो R2 ऊपर चला जाता और R3 नीचे आ जाता और ये H जो है वो इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाता। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, ये R2 ऊपर और नीचे की साइड R3 प्लस C डबल बॉन्ड C, इधर ये H और ये R1 ऐसे ही रहे, और ये यहाँ पर हो जाए R2 ये और R3 ये। पहले देखिए ये R1 और R2 दोनों आपस में क्या थे, सिस थे, दोनों नीचे की साइड थे। अब देखिए ये R1 नीचे की साइड है और R2 ऊपर की साइड है, ये दोनों आपस में ट्रांस हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनता है, एक ये बनता है एक ये बनता है, ठीक, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है। चलिए ये हो गया हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट आयन मैकेनिज्म में। अब देखते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट कार्बिन मैकेनिज्म में। कार्बिन मैकेनिज्म में तो देखिए हमारा यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा, ये चीज़ ऐसी ही होगी, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ तक सेम रहेगा, इसके बाद ये हमारा डिफरेंट होगा। पूरा लिखूँ कि यहीं से स्टार्ट करूँ, चलिए पूरा कर दें, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो इसलिए पूरा कर दें। ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, सी डबल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड N पे है माइनस, इस पर है प्लस, यहाँ पर R1। तो ये वाला बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, उसके बाद जो होगा सो होगा। ये हो जाएगा CH, R2, इधर हो जाएगा R3। मैं इसको जल्दी ले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों स्टेप सेम है, ठीक है। ये सी ये हो जाएगा R1 और ये वाला हो जाएगा डबल बॉन्ड नहीं, एक बॉन्ड तो टूट रहा है ना, इस पर आएगा माइनस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन माइनस दिखाते हैं ना, क्योंकि अब हमें कार्बिन दिखाना है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन
और इस पर आ गया माइनस चार्ज। क्यों आया माइनस चार्ज? ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हुआ कार्बन पर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर ये हो गया इस पर माइनस चार्ज। और ये सिंगल बॉन्ड एन, एन पे है प्लस, ये मैंने बताया इस पर प्लस पड़ा ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ। हाँ, अब इसके बाद होगा हमारे पास कार्बिन मैकेनिज्म। जैसे कि इसमें एच से जुड़ने के बाद, एस एच से कराने के रिएक्शन के बाद, यहाँ पर एच से जुड़ने के बाद तब नाइट्रोजन एन टू निकला था। इसमें पहले ही नाइट्रोजन वाला पोर्शन जो है एन टू यहाँ से निकल जाएगा, एन टू यहाँ से पहले ही निकलेगा माइनस एन टू यहाँ से। जब ये निकल जाएगा, देखिए जब हमारे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। जब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो चार बॉन्ड बनाया हुआ होता है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन, देखिए चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि ये देखिए वन टू थ्री सी एच फोर लेते हैं ना, देखिए इसके इसके चारों तरफ देखिए ये वन टू थ्री फोर, जब ये इसके पास इसके सराउंड में जब चार इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूट्रल है। अब जब मैंने इस यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, यानी कि मैंने कहा कि यहाँ पर सी एल लगा था, सी एल इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तब इस पर क्या आएगा? अब इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। लेकिन अगर एच होता तो एच अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाता ना, तो इस पर आता एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इस पर आता माइनस चार्ज। जब चार था तब न्यूट्रल था, जब तीन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, जब फाइव इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस पर आ गया माइनस चार्ज। अब मैं वो ये किस लिए दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए आप समझ में आएगा आपको। जब ये एन टू यहाँ से निकलेगा, इधर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर इलेक्ट्रॉन थे तो ये अभी तक कार्बन क्या था? न्यूट्रल था। अब देखिए वन टू, इस बॉन्ड में देखिए बॉन्ड में बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मैं काउंट करा रहा हूँ, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसके पास फाइव इलेक्ट्रॉन है तो इस पर क्या है? एक निगेटिव चार्ज है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन N2 लेकर जा रहा है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? जब न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? ये होगा सी एच, ये होगा आर टू, ये होगा आर थ्री, सी आर वन, हाँ, और यहाँ तक ये निकल गया और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये हो गया न्यूट्रल क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके नाइट्रोजन लेके जा रहा है। जब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो रहे हैं, ठीक। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए मैंने वो किस लिए बताया। जब कार्बन के सराउंड में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन न्यूट्रल होता है। देखिए वन टू थ्री फोर, फोर इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन न्यूट्रल ही होगा, ठीक। अब ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं तो इसे हम कहते हैं कार्बिन। इस मैकेनिज्म में हमारे पास बनता है कार्बिन, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे कार्बिन मैकेनिज्म। अब ये वाला ऐसे जो है इसको हम नीचे दिखाते हैं क्योंकि अब इसी की बारी है निकलने की। अब ये वाला बॉन्ड इस साइड से घूमेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसे फिर से मिलेगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, सी डबल बॉन्ड सी, दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, ये हो जाएगा आर वन, इधर हो जाएगा आर टू, इधर हो जाएगा आर थ्री। अब इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस करा दोगे आप, एच टू ओ से करा दोगे इसे, तब आपके पास प्रोडक्ट बनकर आएगा सी डबल बॉन्ड सी, इधर आर वन, इधर एच, ये जो माइनस वाला है इससे आकर ये जो एच टू है यहाँ से एच प्लस निकलेगा तो ये यहाँ से आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आर टू, ये हो जाएगा आर थ्री। तो इसमें भी हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया है, प्लस इसके साथ हमारे पास दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा जो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच से रोटेट होता है, आर वन एच, इधर आर थ्री और आर टू वाला ऊपर। जब ये यहाँ से निकल रहा होगा तभी यहाँ से ये रोटेशन रोटेशन कुछ होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ से इक्लिप्स स्टेज है और सहर्स वाला यहाँ से रोटेट होता है तो ये बनता है, उसी तरह से कहानी यहाँ पर भी है। जब यहाँ से निकल रहा होगा, जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहा होगा
तब ये रोटेट हुआ होगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड जब रोटेट हुआ होगा तब कुछ हमारे पास रोटेट होंगे, कुछ नहीं रोटेट होंगे, कुछ ऐसा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी, ठीक। देखिए R2 R3 है, R2 R3, कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे बनेंगे और कुछ ये रोटेट हो जाएगा, उसके बाद R2 ऊपर की साइड और R3 नीचे की साइड, कुछ प्रोडक्ट हमारे ये बनेंगे, बस यही है। दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनता है, इसमें भी एल्कीन, इसमें भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन। अब इसमें अगर हमारे पास ये R1 और R2 डिफरेंट हो तो उसमें सिस ट्रांस जैसा बनना होगा वो बनेगा। तो ये थी हमारे पास बम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि इसमें शॉर्ट में अगर इसको करना हो तो कैसे करेंगे, और एक आध दो एग्जांपल और देख लेंगे शॉर्ट ट्रिक से, हो जाएगा हमारा पास बम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन खत्म। अगर आपको मैकेनिज्म में कहीं पर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, इसको तो हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट, मेन रिएक्टेंट हमारा ये है। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें क्या डिफरेंट है वही हमें देखना है। देखिए अब कितना देखिए देखिए करेंगे हम, यहाँ से ये ग्रुप निकल रहा है पूरा हट रहा है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इसके बगल में आ रहा है। देखिए सी के साथ जो एन लगा था उधर वाला निकल गया, उसके बगल में आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा, और ये वाला एच जो यहाँ से ये निकल जाएगा, और ये वाला एच एक यहाँ पर आके लग रहा है, ये एच, ये चीज़ें हमें देखनी है बस। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, पहले इस एच को यहाँ से निकालना है, इसको भी हटाते, इस डबल बॉन्ड को इसके बगल में करना है और इसको हमें निकाल देना है। तीन चीज़ें करनी है हमें, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा पहले एन एन एच टी एस जो भी हमारे पास हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा उसको हम निकाल देंगे, उसके बगल में जो कार्बन था डबल बॉन्ड उसके बगल वाले कार्बन पर कर देंगे, फिर उसके बगल वाले कार्बन पर करते ही उसके पास जो हाइड्रोजन था उसको हम हटा देंगे। अब जैसे कि मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे विजिबल किया था, दिखाया था, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब मैं जो एग्जांपल कराऊंगा उसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, तो उसमें मुझे हाइड्रोजन हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वैसे ही हट जाएगा। अगर आप मैकेनिज्म करेंगे तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। ओवरऑल क्या कहने का मतलब है शॉर्ट ट्रिक में, इसको हमें हटाना है कार्बन के जो डबल बॉन्ड उसके बगल वाले कार्बन पे, जो सी डबल बॉन्ड एन था उसके बगल वाले कार्बन पे हमें एक डबल बॉन्ड लगा देना है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देना है, बाकी हमारे पास सब सेम हो जाएगा रिएक्शन हमारी, ये इस एच को यहाँ पर लगा देंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा दिया है, तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल हम शॉर्ट ट्रिक से। जैसे कि हमारे पास ये दिया है, ये जैसे कि हमारे पास ये दिया है सी डबल बॉन्ड एन एन एच टी एस, यही तो हमें देखना था, एन एच एन एच टी एस जो था, सी डबल बॉन्ड एन से जो हमारे पास ये ग्रुप था इसको हम यहाँ से हटाएंगे, और ये सी जो डबल बॉन्ड एन है अब इसके बगल वाले कार्बन पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है। अब इसमें देखिए जैसे कि वहाँ पर एक सीधी चेन थी, हम उसके बगल पर सीधे, जैसे कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन था और इसके बगल में कार्बन था, यहाँ से इसको हटा कर दे, इसे हम इधर से हटा देते थे और डबल बॉन्ड को हम इसके बगल वाले पर कार्बन पर लगा देते थे, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन था तो इसके लिए हमारे पास कोई टेंशन नहीं था, उसके बगल वाले पर लगा दिए। अब इसमें क्या हुआ, इस कार्बन के बगल वाला ये वाला कार्बन भी इधर डबल बॉन्ड आ सकता है या तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, तो कहाँ लगेगा उसको देखते हैं। तो अगर हम इधर लगाते हैं तो हमारा पास कोई कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखेंगे तो क्या वो स्टेबल है या नहीं। अगर हम इस साइड लगाते हैं तो डबल सिंगल डबल, यहाँ से थोड़ा सा रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, इन दोनों में आपस में रेजोनेंस होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट इधर बनेगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा, ये जो हमारे पास इस तरह से वो तो रहेगा ही, ये रहेगा और ये डबल बॉन्ड हमारा आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, यहाँ से रेजोनेंस मिलेगा, थोड़ा सा ये कंपाउंड स्टेबल बनेगा, तो इसलिए हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जो मैं बात कर रहा था कि एच की जो मैं नहीं दिखाऊंगा तो कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर एक एच तो है ही, अब जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर पहले देखिए कितना एच था, दो एच था, अब यहाँ पर कितना एच है, एक दो तीन, तीन बॉन्ड हो, अभी यहाँ पर क्या एक एच बचा हुआ है,
तो एक एच यहाँ से हट गया और यहाँ दो एच था, यहाँ पर एक ही एच बचा है। तो यहाँ पर हमारे पास एच को अब हटाने दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ से हमने इसको हटा दी, इसको भी हटा दी, इस कार्बन वाले बगल पर सीधे सीधे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट होती थी बेस की, K2CO3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, Na उसको डालकर हीट कर दिया तो भी ये रिएक्शन हो जाती है, और इसी तरह से हमारे पास सीलेट ट्यूब में भी रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, अब क्या होगा, इसको हमने वहाँ से तो हटा तो दिया, ठीक है, इसको हम यहाँ से इतना तो हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, जो भी हमारे पास रिएक्टन दिया है इतना हमें दिख रहा है NNHTS से, तो हमें रिमूव करना है, रिमूव हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास या तो इस कार्बन पर आएगा, अब या तो इस कार्बन पर आएगा, या तो इस कार्बन पर आएगा प्लस, या तो इस कार्बन पर आएगा, क्यों, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड N होता है उसके बगल वाले कार्बन पर हमें लगाना है, या तो यहाँ पर या तो इस साइड या तो इस साइड, तो इस साइड वाला मैं यहाँ पे लिखा है और इस साइड वाला मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो अब इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो देखो इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल, तो इधर से ये थोड़ा सा रेजोनेंस में जा रहा है और इधर से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये वाला हमारे पास जो बनता है वो लगभग बनता है 75% और बाकी बचा हुआ 25% ये वाला बनता है, ठीक, ये वाला पूरा बनता है यही। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें इतना पोर्शन यहाँ से हटा देना है और कार्बन कार्बन डबल के बॉन्ड के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है, तो इधर तो पीएच इधर कोई पूरी रिंग लगे हुई है फिनाइल की, तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये पीएच हमारा रहेगा और SI Me3 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। आप इसकी मैकेनिज्म करके प्रैक्टिस करिए, मैकेनिज्म अगर आपसे नहीं होती तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं आपको कहीं ना कहीं सलूशन दूंगा। अब मैकेनिज्म करके इसको प्रैक्टिस करिए और बाकी कहीं कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।